ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहम वंदे गुरु वंदे सचम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सुप्रभात गुड मॉर्निंग सुप्रभात गुड मॉर्निंग। आज योगा और प्राणायाम योग और प्राणायाम हम सब जानते हैं हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। नियमित इसका अभ्यास हमें करते रहना चाहिए और हमारा क्रम चल भी रहा है। तो आज योग और प्राणायाम करवाने के लिए हमारे साथ लातूर से सुमन जी पवार जुड़ चुकी है। डांगे सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सुमन मैडम का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें आप इनवाइट करें आमंत्रित करें। जय जिनेंद्र जय जय जिनेंद्र सभी को ओम प्रणाम जय जिनेंद्र प्रणाम। एमपी के फिटनेस क्लासेस कल्याणम योगा और संवाद इंटरनेशनल योगा के माध्यम से आज इस प्रजासत्ता दिन हमारा गणतंत्र दिन है 26 जनवरी बहुत ही शुभ योग है। इस दिन जो हमारी घटना है वो लागू की थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया दिस इज अ रिटन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी हमारी घटना है और हम भाग्यशाली के इस घटना इसी दिन लागू की थी। तो आज के दिन हमारे हमारे योग प्रशिक्षक जो और हमारे योग साधक भी है जो हमारे वर्क से जुड़े हैं और बहुत ही अच्छा उन्होंने गेन किया है हासिल किया है ऐसे हमारे सुमन जी पवार का मैं सभी से और से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। ताली बजा के उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। सुमन जी एक बहुत ही उनकी हमेशा उत्सुकता होती है कि मैं कुछ नया सीखूं। हर बार जितने भी ट्रेनर के क्लासेस रहते वो बिल्कुल नोटबुक लेके पेन लेके तैयार रहती और पूरा लिखती और जिसको आगे बढ़ना है वही उसका साइन है। और जो प्राणायाम और आसन के बारे में बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें वो भी बताती है तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे एक योग साधक अच्छे योग प्रशिक्षक है वो एक कॉन्वेंट की प्रिंसिपल भी है और उनके हस्बैंड जो है वो भी बहुत रुचि रखते हैं योगा प्राणायाम में और दोनों भी हमको तो बहुत खुशी है कि दोनों भी इस योग प्राणायाम के साथ जुड़े हैं। तो उनका मैं पुनश्च दहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। वैसे वो चाकूर से आज लातूर में है फिर भी क्लास हमारे ले रहे हैं तो ये हमें पहले ही मैं धन्यवाद दूंगा उनको। वेरी गुड वेरी गुड। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। तो सुमन जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आज के सेशन आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। हमारे पवार सर भी ज्वाइन हो गए उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत वेलकम सर। बहुत खुशी होती है दोनों भी रहते हैं और दोनों भी योगा में रुचि रखते हैं तो और एक सेंटेंस में बिल्कुल रेडी रहते सुमन जी का कभी भी तो डेफिनेटली उनका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सुमन जी आज की कक्षा आप शुरू कर सकते हैं। ओम सभी को ओके तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे वैदिक मंत्र के साथ प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। ओम का उच्चारण ओ
ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटिशः वंदन, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, आचार्य बालकृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, आनंदमल सर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, राजीव डांगे आदरणीय सर जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, अलका जी मैडम के चरणों में भी, और आप जो ऑनलाइन सभी योग साधक जुड़े हैं उन सभी पवित्र आत्माओं की मेरा हृदय की गहराई से प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, नमस्कार। आज के इस पावन पवित्र पर, आज 74वां गणतंत्र दिन है, इस गणतंत्र दिन के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हम सब इकट्ठे ऑनलाइन जमा हुए तो भारत अपना आज 74वां गणतंत्र दिन मना रहा है। वीरों को, उन सभी वीरों को सलामी करते हैं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए संघर्ष किया। इस दिन राष्ट्रीय गर्व का दिन है। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। उसी भारत भूमि को प्रणाम करते हुए आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। सभी अपने अपने जगह पे वार्म अप एक्सरसाइज के लिए खड़े हो जाएंगे। पहले करेंगे ताड़ासन, तो सभी अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर स्ट्रेच करना है। और पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचना है। ताड़ासन, सामने एक बिंदु पे नजर स्थिर, मन की एकाग्रता बढ़ाने वाला यह आसन है ताड़ासन। श्वास भरते हुए हाथ शीर पर, और एक बार करेंगे। पूरे एड़ी को ऊपर उठाना है और पंजों के बल आना है। नजर सामने, दो दो बारी करेंगे। श्वास भरते हुए, इसी में तिरेक ताड़ासन भी कर सकते हैं बाएं साइड से। आनंदमल सर, उनको थोड़ा स्पॉटलाइट कीजिए सुमन जी को। दोनों साइड से, लेफ्ट साइड से तिरेक ताड़ासन, साइड से हाथ नीचे। दूसरा करेंगे वृक्षासन, बाएं पैर पे खड़े हैं, दाहिना पैर घुटनों के ऊपर जंघा पे फंसा हुआ, प्रणाम आसन वृक्षासन। श्वास भरते हुए ऊपर, मन की एकाग्रता बढ़ती है और हमारे जीवन में आचरण में संतुलन लाने वाला आसन है वृक्षासन। दूसरे साइड से प्रणाम आसन वृक्षासन। सर पूरा दिख रहा है? थोड़े हाथ नहीं दिख रहे सुमन जी, सिर्फ ऊपर से, बाकी बिल्कुल हाथ थोड़ा, बस एग्जैक्टली अभी बस। यस राइट 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 राइट।
कटे चक्रासन करेंगे, दोनों हाथ सामने, श्वास भरते हुए दाहिने साइड में घूमना है, पैर जगह पे, श्वास छोड़ते छोड़ते आगे, फिर दूसरे साइड से, जब भी पीछे जाते तो श्वास को भरना है और आगे आते टाइम श्वास को बाहर छोड़ना है। दोनों हाथ कमर पे चक्रासन करेंगे, श्वास पीछे, यथाशक्ति करना है, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, शरीर के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, जितना जिन से बन सके उतना ही करना है। और एक बार करेंगे अर्धचंद्रासन, हाथ ऐसे ही गर्दन के लिए कुछ आसन करेंगे, श्वास भरते हुए गर्दन को बाईं ओर ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते छोड़ते सामने, फिर दाहिनी साइड से श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते भरते बाएं साइड से, अब गर्दन को राइट साइड में शोल्डर पे टिकाना है, फिर लेफ्ट साइड में, दो दो बार करेंगे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाएं साइड से, अब गर्दन को ग्रेवा चलन करना है, ग्रेवा चक्र, जिनके गर्दन में दर्द है वो आगे पूरा गोल नहीं करना है, आधा गोली करना है, आगे नहीं झुकाएंगे, आंखें खुली और पूरी गर्दन का ग्रेवा चलन, ग्रीवा चक्र बनाएंगे, दूसरे साइड से, जो गर्दन के लिए स्पॉन्डिलाइटिस के लिए इतना डेली आसन कर लेते हैं उनको फिर बेल्ट नहीं लगता है और शरीर में गर्दन में पीठ कमर में आकड़न जकड़न भी नहीं रहती। उसके बाद करेंगे धीरे धीरे जगह पे जॉगिंग, जॉगिंग में 12 प्रकार आते हैं, ये पहला, दूसरा गति को थोड़ा बढ़ाना है, पैरों के साथ हाथों को भी लाना है, तीसरा उत्कटासन, नी के लिए घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, चौथा कुर्सी आसन अर्ध बैठक, नी जॉइंट के लिए घुटनों के दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है, घुटनों में जो लुब्रिकेंट घिस जाता है उसके लिए अच्छा है आसन,
इसमें हाथ ऐसे आगे करके भी बैठ सकते हैं। दोनों पैर में थोड़ा शांत वीरभद्रासन। श्वास भरते भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पीछे वाला पैर सीधा लंबा, आगे वाले घुटने को बेंड करना है। बायां हाथ उठाएंगे और राइट साइड से नीचे, कोणासन। दूसरे साइड से भी जब भी ऊपर जाते हैं तो श्वास को भरना है और नीचे आते टाइम श्वास को छोड़ना है। आसन में इतनी सावधानी। पैर में थोड़ा शांत रहे। अब कोणासन, त्रिकोणासन, सॉरी। राइट हैंड से लेफ्ट टोज को टच करना है और लेफ्ट से राइट को टच करना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस। श्वास को भरते हुए सीना फुलाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। जब पीछे जाते हैं तो श्वास भरना है, आगे आते टाइम श्वास को छोड़ना है। ये आसन करने से हमारे लंग्स की कार्य क्षमता बढ़ती है और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में बढ़ती है ये करने से। पाद हस्तासन, श्वास भरते हाथ को ऊपर उठाना है। ऊर्ध्वस्तासन और पाद हस्तासन, पैर को टच करना है। नहीं हुआ तो भी कोशिश करना है, जितना आपका सामर्थ्य के हिसाब से करना है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात। आप पीटी एक्सरसाइज, जंप ले सकते हैं या जो ज्यादा एज वाले नहीं होता तो ऐसे कर सकते। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ। और जो डेली करते हैं, आप सभी करते हैं, तो उनके लिए ऐसे फास्ट भी कर सकते हैं। एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। अब इसमें फास्ट भी कर सकते हैं। एक, दो ऐसे। एरोबिक्स का प्रकार, हाथ का अपोजिट साइड में पैर, दो, तीन। पैर को विरुद्ध दिशा में ले जाना, हाथ के अपोजिट साइड में। और लास्ट में क्लैप थेरेपी, ताली चिकित्सा। हमारे हाथ के और पैर के
तलों में बहुत सारे मर्म बिंदु है, कुछ ताली बजाने से वो सब दबते हैं, तो डेली ताली भी बजाना बहुत जरूरी होता है। घुटनों के लिए करेंगे, अपने आगे पीछे, और ये करने से श्वास की गति भी नॉर्मल हो जाती है। घुटने को गोलाई में घुमाएंगे, दूसरे साइड से सूर्य नमस्कार करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते ऊपर, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, अश्व संचलन, पर्वतासन, पैर की एड़ी जमीन से, साष्टांग प्रणामासन, आठ अंग जमीन पे लगे हुए, श्वास भरते ऊपर भुजंगासन, ना पर्वतासन, वाम अश्व संचलनासन, पादहस्तासन, दोनों पैर सामने, श्वास भरते हुए ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन। ओम अर्काय नमः। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। ओम रवये नमः। एक, दो, तीन, चार, दस, ग्यारह और बारह, और दो करेंगे। ओम खगाय नमः। श्वास भरते ऊपर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह और बारह। ओम मरीचे नमः। ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, अश्व संचलन, पर्वतासन, साष्टांग प्रणामासन, कमर का हिस्सा ऊपर, आठ अंग जमीन से लगे हुए, सामने से उठाना है, भुजंगासन, पर्वतासन, पादहस्तासन, अश्व संचलन, प्राणायामासन। जो ये पांच सूर्य, ऐसे तो डेली बारह तेरह सूर्य नमस्कार करना चाहिए, लेकिन जो पांच सूर्य नमस्कार कर लेता है तो शक्ति, ऊर्जा और शक्ति का हमारे शरीर में फायदा होता है, बढ़ती है, तो डेली ये भी करना बहुत जरूरी है। वज्रासन के आसन, इसमें बैठ जाइए, और वज्रासन में बैठ के पहले करेंगे मंडूकासन। घुटनों के बल बैठना है वज्रासन में, अंगूठा अंदर, मुट्ठी ऊपर से बंद, श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकना है, इसमें कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते, डायबिटीज के लिए एकदम बेस्ट आसन है मंडूकासन।
नजर सामने, और आधा मिनट से लेके एक मिनट तक इसमें ऐसे स्थिर रह सकते, स्थिरम सुखम आसनम। जिनका जैसा सामर्थ्य हो वैसे उसमें स्थिर होना है। मंडूकासन से हमारे पेनक्रिया एक्टिवेट होते हैं और इंसुलिन अंदर से तैयार होती है, उदर विकार सभी मिटते हैं ये आसन करने से। सांस भरते हुए ऊपर, और एक बार करेंगे पूरा श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना है मेंढक की तरह, नजर सामने, और इसमें कपालभाति के स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, इसमें सेकंड पोज, पहले बायां हाथ फिर दायां हाथ नाभि के ऊपर रखना है, श्वास भरना, पूरा श्वास बाहर छोड़ना, और घुटने से सीना लगाना और आगे, नजर सामने, गैस अपच इसमें फायदा देता है आसन। अब राइट हाथ पहले उसके ऊपर, लेफ्ट हाथ, और एक बार करेंगे सांस भरते ऊपर। इसी में बैठे हैं तो शशकासन करेंगे, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते धरती माता को प्रणाम करेंगे। श्वास भरते ऊपर, समुद्र वसनी देवी पर्वत अस्तनी मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम सामस्पर्श समत्सो में। श्वास भरते हुए ऊपर, साइड से हाथ नीचे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, सुखकारक कौन से भी एक आसन में बैठना है। सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, दीर्घ श्वास लेना, दीर्घ श्वास छोड़ना, भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें कोमलता से बंद, मन सहज, और करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दो से ढाई सेकंड श्वास को भरना है, दो से ढाई सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे शुरू में करते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक हमारे शरीर में बढ़ता है, ऑक्सीजन हीट और एनर्जी बढ़ाने वाला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा दीर्घ श्वास लेना, लंबा दीर्घ श्वास बाहर छोड़ना, जैसे लोहार का भाता चलता है उसी प्रकार हमारे शरीर में भी अग्नि प्रज्वलित होती है। यह प्राणायाम करने से कफ, साइनस, एलर्जी, अस्थमा, दमा, श्वसन संबंधी संपूर्ण समस्या से छुटकारा मिलता है। यह प्राणायाम करने से
तीन से पांच मिनट कर सकते हैं, अभी ठंडी के दिन में 5-10 मिनट भी कर सकते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इसी को रक्त शुद्धकारी प्राणायाम भी कहा गया है, ब्लड प्यूरिफायर प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। जब हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ता है तो कोई भी एलर्जी हमारे पास नहीं आ सकती। ठंड लगने से एलर्जी होना, कफ होना, ये सर्दी होना, ये सब समस्या कम हो जाती है। तो डेली भस्त्रिका प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। अब दूसरा करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आंखें बंद, मन सहज, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है, 1 सेकंड आता 1 धक्का कपालभाति प्राणायाम। पेट को धक्का लगाना, श्वास को बाहर छोड़ना, आप सभी करते हैं, सबको पता है। हाथ की कौन सी भी एक मुद्रा, अंगूठे ने तर्जनी को स्पर्श किया तो वायु मुद्रा, इसी को पूरा फोल्ड किया अंगूठे के मूल में लगाया तो ये वायु मुद्रा, इसके साथ मध्यमा और अनामिका को ऐसे स्पर्श किया तो अपान वायु के दोष भी मिटते हैं, तो ऐसे इस मुद्रा में भी कर सकते हैं या बीच बीच में मुद्राएं बदल भी सकते हैं। हम धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ रहे और मन में शिव संकल्प भी चालू है। हर श्वास के साथ हमारे सभी समस्याएं, बीमारियां, व्याधि, विकार, क्रोध, यह सब बाहर जा रहा है। इसे मन में शुभ संकल्प भी करते करते करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति को किंग ऑफ प्राणायाम कहते हैं। कपालभाति महाऔषधि, कपालभाति महासंजीवनी प्राणायाम कहा गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। इसको डेली 15 मिनट करना चाहिए और जो ज्यादा व्याधि वाले हैं, बीपी, शुगर, तो आधा आधा घंटा 2 टाइम कर सकते कपालभाति प्राणायाम को। श्वास को धैर्य से बाहर छोड़ना है और भरते टाइम कोई क्रिया नहीं करनी है। कपाल भाति नाम में भी इसका अर्थ छपुआ है। कपाल यानी हमारा मस्तिष्क और भाति यानी ओज, भाति यानी प्रकाश, भाति यानी अभा, हमारे संपूर्ण स्किन को ग्लो करने वाला ये प्राणायाम है कपाल भाति। हमारे ललाट की इसको चमकाने वाला, भाग्य की ललाट को जगाने वाला और भाग्य की ललाट को चमकाने वाला प्राणायाम कपाल भाति प्राणायाम। डेली करने से बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। उधर रोग पेट की समस्त बीमारियां इसे खत्म हो सकती है। लेकिन निरंतरता सफलता की कुंजी है। निरंतरता, नियमितता, सातत्य बहुत जरूरी है। रोज अभ्यास करना चाहिए।
80% बीमारियां, 80 प्रकार की बीमारियां हमारे पेट से उत्पन्न होती है, और कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा है कि सभी बीमारियों का खात्मा करता है। हमारा संपूर्ण जैव रसायन को स्थिर बनाने वाला प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। वात पित्त कफ को बैलेंस करता है कपालभाति प्राणायाम। हमारे शरीर में जो चीज बड़ा हुआ है उसको बैलेंस करता है। विश्राम, बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम के 3 चक्र करेंगे। लंबा श्वास लेना, बाहर छोड़ना, बाहर होल्ड करके पेट को अंदर खींच के लगाना है। इसमें 3 बंद लगाया जाता है, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालंधर बंद। मलमूत्र के हिस्से को ऊपर खींचना, मूल बंद, उड़ियान बंद, पेट को पीठ की ओर चिपकाना और जालंधर बंद, हनुवटी को कंठकूप में लगाना। लंबा श्वास भरना, पूरा श्वास बाहर छोड़ना, बाहर होल्ड करके त्रिबंध के साथ करना। इसके 3 चक्र करेंगे बाह्य प्राणायाम के। और करेंगे जब श्वास लेने की इच्छा हो तो बंधन तोड़ना और नया श्वास भरना है। 1 चक्र और इसमें सावधानियां भी कुछ, पीरियड में और प्रेगनेंसी में ये प्राणायाम नहीं किया जाता है, बाह्य प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम। अग्निसार के 2-3 चक्र करेंगे। लंबा श्वास लेना, बाहर छोड़ना और पेट को अंदर बाहर हिलाना, जैसे हम कपड़े धोते हैं उस टाइप से। स्वामी जी कहते हैं पेट को हिलाना ज्यादा है और खिलाना कम है। हम ज्यादा खाने से बीमार पड़ते, कम खाने से कोई बीमार नहीं पड़ते, अच्छा होते उठे। बोलते हैं ना, रेस्ट में रिपेयरिंग होता है। जैसे पेट को रेस्ट देना चाहिए, कुछ उपवास भी करना चाहिए, भूखे भी रहना चाहिए, तो हमारा सब कुछ जो अंदर बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो जाता है। उज्जाय प्राणायाम के 1-2 चक्र करेंगे। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, और अग्निसार क्रिया ये भी बहुत जरूरी है। होकल कॉर्ड को घर्षण करते हुए श्वास को अंदर भरना है, और राइट नोस्टर्न बंद करके लेफ्ट से श्वास को बाहर छोड़ना है। उज्जाय प्राणायाम। और एक बार जिसमें थायराइड की कोई समस्या है तो ये जरूर करना उज्जाय प्राणायाम। वोकल कॉर्ड के लिए, थायराइड के लिए, जो नींद में घूरते हैं तो यह सब समस्या से छुटकारा मिलता है ये प्राणायाम करने से, उज्जय प्राणायाम। इसके 10, 11, 12 चक्र भी कर सकते हैं डेली।
पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, बहुत देर से एक आसन में बैठने से पैरों में हमारी चिटिया आ जाती है, तो आना भी जरूरी है। जो नीचे के हिस्से का ब्लड सर्कुलेशन हमारे हृदय की गति ऊपर की ओर ज्यादा अच्छे से काम करता है। पैर के 10 उंगलियों को दबाना पूरे प्रेशर लगा के, दस उंगलियां आगे पीछे, पूरा पंजा आगे, पूरा पंजा पीछे। यह आसन दिखने में छोटे है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे जॉइंट को बहुत फायदा देने वाला आसन है सूक्ष्म आसन। आप दोनों पैरों की ताली बजाएंगे, घुटनों की गादी को नीचे दबाना है, प्रेशर देखिए। ग्राइंडिंग, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके आगे जाते हैं तो पूरा पैरों की उंगलियों को स्पर्श करना है और पीछे पीठ के बल लेटने तक पीछे जाना है। ग्राइंडिंग आटा चक्की, दोनों साइड से करना है, दूसरी साइड से भी। महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है ये। पति सौंदर्यासन, दोनों पैर में फासला और अपोजिट पैर को टच करना है। कटी सौंदर्यासन, कटी यानी हमारी कमर, जो कमर का कमरा हो गया है बड़ा बड़ा, वो सभी से कम होता है, कमर को सुंदर बनाने वाला आसन। गर्दन पेट कमर सभी का आसन हो जाता है इसमें। पीछे जाते तो श्वास छोड़ना, आगे आते तो श्वास भरते भरते करना। बटरफ्लाई, दोनों तलों को मिलाना है, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पंख तितली की तरह दोनों नी को ऐसे हिलाना है। बटरफ्लाई माता बहनों के लिए इसको बहुत जरूरी है, डेली करना चाहिए। सूक्ष्म आसनों में आसनों का राजा कहा गया है बटरफ्लाई को। पीरियड संबंधी कोई भी समस्या हो ये डेली करने से कम हो जाता है। भद्रासन, इसमें ध्यान भी कर सकते हैं, मन शांत एकदम, मूलाधार चक्र पे ध्यान, आंखें बंद। विश्राम, दोनों पैरों की मसाज, बैठ जाएंगे फिर से सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन और बैठे बैठे करेंगे ताड़ासन। दोनों हाथ को मिला के ऊपर, पूरे बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है, ऊपर की ओर शरीर को खींचना है। साइड से हाथ नीचे और एक बार करेंगे, पूरे बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करना है ऊपर की ओर,
दोनों हाथ मिला के ऊपर। विश्राम। अगला प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नोस्टन बंद करना है और लेफ्ट से श्वास को ऊपर भरना है, फिर लेफ्ट को बंद करना है, राइट से श्वास को बाहर छोड़ना है। अनुलोम और विलोम दोनों करना है हमें। आंखें बंद है, मन सहज। ये बहुत ध्यानात्मक आसन है। भ्रुकुटी मध्य में जहां पे हम तिलक बिंदी लगाते वहां पे ध्यान केंद्रित करके करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अंगूठे से नाक का दरवाजा बंद। संपूर्ण नर्वस सिस्टम को ठीक करने वाला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हमारा दाहिना स्वर जो नासिका है, दाहिना स्वर है सूर्य स्वर और बायां स्वर है चंद्र स्वर। हम एक से गर्म उष्ण हवा लेते हैं और दूसरे से ठंडा लेते हैं, तो अनुलोम भी करना है और विलोम भी करना है हमें। जिनका नाक बंद है, ज्यादा सर्दी हुई हुई है, तो लेफ्ट नोस्टन बंद करके राइट से श्वास लेना है और लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। हर बार राइट से श्वास लेना, लेफ्ट से बाहर छोड़ना, तो जो बंद नाक है वो भी खुल जाता है। हमारे शरीर में हीट ज्यादा तैयार हो जाती है ये करने से। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे भीतर जो प्रवाहमान चालू है उसको अच्छा फायदा होता है। अनुलोम विलोम भी डेली 5 से 15 मिनट तक करना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति को, और ज्यादा व्याधि वाले आधा आधा घंटा कर सकते 2 टाइम। हम जब श्वास लेते हैं तो डायरेक्ट हमारे ब्रेन में श्वास जाता है, तो जो डीएक्टिवेटेड हार्मोन्स है हमारे ब्रेन में वो सब एक्टिवेट हो जाते हैं लंबाई से श्वास लेने से। डीएक्टिवेटेड हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते और हमारे ब्रेन को और हार्ट को अच्छा फायदा देने वाला आसन है ये, सॉरी प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और संपूर्ण स्केलेटल सिस्टम, हमारी हड्डियों का ढांचा, नस नाड़ियों का ढांचा है जो, उसको भी बहुत फायदा देने वाला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में राम प्रहार बोला जाता है, उस टाइम करने से तो बहुत अच्छा, जो हम श्वास लेते हैं उसमें ओजन वायु हमारे शरीर में जाता है तो बहुत फायदा करता है। जैसे हम गाड़ी की रिपेयरिंग करते हैं वैसे बॉडी के लिए भी थोड़ा सा ध्यान तो डेली देना ही चाहिए। थोड़ा थोड़ा ही किया तो पूरे शरीर का मेंटेनेंस हो जाता है।
ये प्राणायाम बहुत चमत्कारी प्राणायाम है। अकाली वृद्धत्व जो आता है, कम उम्र में बाल झड़ते हैं, कम उम्र में बाल सफेद होते गिरते हैं, वो भी कम होता है प्राणायाम करने से। और जो आंखों का चश्मा है, आंखों का नंबर बढ़ा हुआ, वो भी कम हो जाता है। मतलब ये प्राणायाम सब कुछ को बैलेंस कर देता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी बिगाड़े उसको ठीक कर देता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये करने से नींद भी अच्छी आती है। किसी किसी को नींद नहीं आती है, पंखे को देखते रहते हैं, छत को देखते रहते हैं, तो सोते टाइम भी ये प्राणायाम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम नींद से जल्दी आ जाती है ये करने से। शरीर में आई हुई गांठें भी पिघल जाती है, इतना चमत्कारिक प्राणायाम कहा गया है इसको, अनुलोम विलोम प्राणायाम को। अब करेंगे भ्रामरी उद्गीत, हाथों के थोड़े से करेंगे सूक्ष्मासन। दोनों हाथों की 10 उंगलियां पूरा हाथों के लिए, हाथों का मूवमेंट, अंगूठा अंदर मुट्ठी ऊपर से बंद, एक बार अंगूठा ऊपर से एक बार अंदर से, रिस्ट के लिए, मनगटी के लिए। ये दिखने में छोटे छोटे लेकिन बहुत फायदा करते हैं सूक्ष्म आसन। एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है। कोहनी के लिए साइड से भी कर सकते हैं, ऊपर भी श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। अब दोनों हाथ शोल्डर पे, शोल्डर का बड़ा शून्य बनाएंगे। आगे जाते तो कोनिया मिला नहीं। एक दो तीन चार पांच, एंटी क्लॉकवाइज पीछे से, एक दो तीन चार पांच। हार्ट के लिए, शोल्डर के लिए, वजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है। अब दोनों हाथों को रिस्ट को पकड़ना है सिर के पीछे से। फसलियों के लिए अच्छा अभ्यास, बरगाड़ियों के लिए श्वास भरती ऊपर, श्वास छोड़ते दूसरी साइड से खींचना है। श्वास भरते हुए ऊपर, राइट हैंड को राइट साइड से माथे पे लगाना है एंटी प्रेशर। हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर जोर से दबाना है, कंपन सा पैदा होता है, प्रेस के लिए अच्छा है। सिर्फ हाथ रखना नहीं, दबाना है, वहां पे प्रेशर देना है। दूसरे साइड से दोनों हाथ इंटरलॉक करके सिर के पीछे से, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, आगे से होड़ी को दबाना है। अब दोनों हाथ नी पे रख के, घुटनों पे रख के शोल्डर के लिए, शोल्डर को पूरे गोले में से गोल गोल घुमाना है जैसे गाड़ी का पिस्टन चलता है। अब आगे से पीछे,
भ्रामरी उद्गीत करेंगे। कान का दरवाजा अंगूठे से बंद, तीन उंगलियां आंखों पर, भ्रमर ध्वनि करेंगे। उद्गीत प्राणायाम चक्रों पे ध्यान करते करेंगे। सबसे पहले मूलाधार चक्र पे ध्यान करेंगे। स्वादिष्टान चक्र नाभि के नीचे, मणिपुर चक्र नाभि में स्थित उस पे ध्यान करेंगे। अनाहत चक्र उस पे ध्यान करेंगे। वाणी की शुद्धता करने वाला विशुद्धि चक्र, रुकुटी मध्य में आज्ञा चक्र स्वर्ग का द्वार, सिर के ऊपर सहस्रार चक्र, शांत एकदम मौन। मन में कोई विचार नहीं, एकदम शांत, सांसों पर संपूर्ण ध्यान। प्रणव ध्यान, प्रणव की आराधना, प्रणव की उपासना। हमारे मन पे जो अंधकार के पर्दे पड़े उसको हटाना है। और संपूर्ण आंतरिक जर्नी पैर के अंगूठे से अपने शरीर को देखना है। सब शरीर एकदम शिथिल शांत, दोनों पैरों के अंगूठे तलवे, संपूर्ण पंजा, दोनों टखने, ऊपर पिंडलियां, घुटने, संपूर्ण जगह का भाग, कमर का हिस्सा, पेट के सभी ऑर्गेन्स एकदम शांत शिथिल एकदम रिलैक्स हो गए। हमारा हृदय एकदम शांत, दिन रात अवरत चलता रहता है। इस पे भी ध्यान करना है। गले में
शांत शिथिल ऊपर संपूर्ण चेहरा। मन की आंखों से खुद को ही देखना है, हमें प्राणायाम आसन करने से क्या लाभ हुआ है खुद महसूस करना है। दोनों हाथों को गर्म करेंगे और गर्म गर्म ऊर्जा संपूर्ण चेहरे पे। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य तु सरस्वती कर मूल्य तु गोविंदा प्रभाती कर दर्शन प्रभाती कर दर्शन। ओम प्रजासत्ताक दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 74वां प्रजासत्ताक दिन है और इस दिन हमें इतना अच्छा अवसर मिला है, इस दिन मुझे इतना अच्छा अवसर सर ने दिया है, उनका बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। राजू डांगे सर का, आनंद मल सर का और अलका जी मैडम का। एक मिनट, मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ हाँ, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और सभी से निवेदन है कृपया अपना वीडियो ऑन कर लें, वीडियो ऑन कर लें और अपनी जगह पे खड़े होकर हम राष्ट्रगीत के साथ समापन करना चाहेंगे आज। अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए। हाँ, शुरू कीजिए सुमन जी। हाँ, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जल सरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाता। जन गण मंगल दायक भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत सुंदर तरीके से वंदे मातरम की कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे या कोई जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे। सुचिता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र और जय हिंद। प्रजासत्ताक दिनाचा सगळ्यांना शुभेच्छा। 74वां और ये त्रिवेणी संगम जो चल रहा है, तीनों संस्थाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारी दिन की शुरुआत बहुत सुंदर होती है आसन से प्राणायाम से होती है। आज सुमन जी ने तो बहुत सुंदर लिया, वो तो ट्रेनर है ही अच्छी। उन्होंने बहुत सुंदर ऑल पैकेज ऑल इन वन जो बोलते हैं वैसा उन्होंने पूरा दिया है हमें। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम का यूटिलाइज कैसे किया जाए ये सीखना जरूरी है। देखिए एक घंटे के अंदर सब कुछ पूरा आ गया, इसमें कोई पूरा पैकेज दिया। बहुत धन्यवाद। ओके अभी नमस्कार सर। कमल जी अर्चना। हाँ अर्चना जी बोलिए। नमस्कार सर। सुमन जी ने बहुत ही अच्छा क्लास लिया और बहुत ही अच्छा योगासन सब योगासन प्राणायाम किया। धन्यवाद सुमन जी का और सर आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद आप भी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुरेखा जी ने अपने आप को अनम्यूट किया। सुरेखा राठौड़ बोलिए। आज सुमन जी ने बहुत सिखाया योग। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुई हूँ, उन्होंने मुझे लिंक दी थी, मैंने बोली देखेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा मुझे तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सुमन जी। प्रकाश जी नमस्ते। नमस्ते अच्छा रहा।
जैसा एक कविता है उन्नाळ गारवा जैसे ही बहुत बढ़िया हाँ योगी कहे ना तो जो ठंडी के दिनों में अपने को गर्मी महसूस कर देने वाले बहुत अच्छी तरह सांस पसीना आ गया था और अच्छी तरह से थोड़े कम में बहुत अच्छी तरह से बिताए। खूब खूब धन्यवाद आपका ही धन्यवाद सर राजू डांगे सुमन जी ने तो हमें प्राणायाम योगासन ये तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ उन्होंने मुझे जोड़ दिया डांगे सर ने भी अपने आप को वीडियो ऑन कर लिया है। डांगे सर प्लीज बोलिए। हाँ सर ऐसा सभी को गणतंत्र दिन की बहुत बहुत शुभेच्छाएं। थैंक यू बहुत ही सुंदर क्लास लिया। थैंक यू वेरी गुड मनोज गांधी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र आज का योगा बहुत अच्छा था। सुमन जी ने बहुत अच्छा दिया बहुत अच्छा लगा सर। वेरी गुड ओम आराम सर। आप सबको नमस्कार। बहुत अच्छी क्लास ली आज सुमन जी ने और आपको अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। कंचन जी। कंचन जी मैंने पूछना था कि मेरे ना बॉडी में पेन बहुत होती रहती है आजकल कमर में शुरू हुई हुई है तो दाई नासिका के सांस वाला जो है प्राणायाम सूर्य वो कर सकती हूँ? हाँ मैडम कर सकते हैं और आप अनुलोम विलोम प्राणायाम से भी नर्वस सिस्टम हमारा अच्छा होता है। कोशिकाएं तो मैं करती रहती हूँ और जो छोटे छोटे सूक्ष्म आसन है आसन हाँ आप में पेन हो रहा है बोले ना तो पेन हाँ के लिए सूक्ष्म आसन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हाथों पैरों के क्रिया चलन पूरे बॉडी के लिए सूक्ष्म आसन अलग अलग है तो वो आप सब कर सकते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखें और मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ मैं आनंदमय हूँ मैं शक्तिमय हूँ मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो आनंदमय हो शांतिमय हो ये शुभ भावना ओम शांति शांति हम ओम अरहम।